मिनट का सवाल है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, ये दिया हुआ है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम एट विच मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट ऑकर्स। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होता है? एट मीन होता है। मीन माने एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे एक्स जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी दिया है। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ये कॉस वाला टर्म जीरो, यानी कि कॉस ओमेगा टी कितना हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है, थ्री पाई बाई टू हो सकता है, फाइव पाई बाई टू हो सकता है, अगर हम खाली पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करें तो, है ना। हाँ। तो पहली बार कब होगा ये, सॉरी कॉस ओमेगा टी पाई बाय टू नहीं, ओमेगा टी पाई बाय टू, ठीक है, पाई बाय टू पे होगा पहली। तो पहली बार कब होगा जब ओमेगा टी क्या होगा, पाई बाय टू होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो सबसे पहली बार कब होगा कॉस ओमेगा टी जीरो। कॉस ओमेगा टी जीरो जब होगा जब ओमेगा टी पाई बाय टू होगा, ओमेगा दिया पाई बाय टू दिया ना सवाल में, टी का वैल्यू कितना आया, वन सेकेंड, लल्लू सवाल है तो। अच्छा समझा, नहीं है आया। चलो देखो, पॉइंट मास ऑसिलेट्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऐसा है तो स्मॉल ए और डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, स्मॉल ए क्या है डेल्टा क्या है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू जो दे रखी है क्या दे रखी है, x नॉट है ना, साइन, सॉरी साइन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है इस बार। चलो कोई बात नहीं, कॉस भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ऐसा दे रखा है। एक्सिलरेशन क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो पता है सबको। हाँ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये मेरा एक्सेलरेशन है और इसको अगर एक्चुअली मुझे इसे कैपिटल ए लिखना चाहिए था, बट ठीक है मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, अगर मिक्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में जो दिया हुआ ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट है ना, और डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाय टू होनी चाहिए। लेकिन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू माइनस में है, नहीं नहीं ना, नहीं। तो ऐसे कंपैरिजन थोड़ा सा अब हम ऐसे कंपैरिजन में गड़बड़ हो जाएगी, समझ में आ रही बात। हाँ, हाँ। ऐसे कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो ये चारों में से ये सही है ये गलत नहीं है, लेकिन ये चारों ऑप्शंस में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ये चारों ऑप्शंस में से ए का वैल्यू सब में पॉजिटिव है, दिख रहा है क्या सबको। हाँ सर। तो अपन ऐसा कुछ करते हैं कि ये इधर पॉजिटिव हो जाए, है ना, ये नहीं समझ में आ रही बात। हाँ सर। चलो तो अब हम एक काम करते हैं, इसको ना जो एक्सेलरेशन है कल एक आइडेंटिटी बताई थी तुम लोगों को, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये जो पूरी चीज है, इस पूरी चीज को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तुमने कल सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था बताओ, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ, सिखाया था ना, सिखाया। यानी कि अगर यहां पे इसकी जगह ये जो थीटा है इसकी जगह पाई प्लस थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या माइनस अकोमोडेट हो जाएगा उसमें, देखो इधर
देखो कैसे कैसे होगा, मैं अभी जो बोला शायद समझ में नहीं आएगा, मैं उसको दिखा देता हूँ। देखो ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखो ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, तो एक साइड लिया बोलो, इंटू माइनस कॉस थीटा लिखूं, और माइनस कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, कॉस पाई प्लस थीटा, और थीटा कितना है मेरा, पाई बाय टू, नहीं थीटा कितना है अभी हमने बताया था ना, ओमेगा टी, थीटा हमने पूरा लिया था ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिया था ना, तो क्या आया ये मेरा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस बोलो पाई बाय थ्री पाई बाय टू आया, यस हाँ, ये मेरा एक्सेलरेशन है। इसको अब तुम कंपेयर कर सकते हो, हमने पॉजिटिव बना दिया ना सब कुछ, हाँ सर, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, अब बताओ ए की वैल्यू कितनी, थ्री पाई बाय ए की ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ए की ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, डेल्टा की वैल्यू कितनी, थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, सबको आया समझ में, तो हमारा करेक्ट आंसर है थ्री, समझ गए। चलो देखो कैसे करेंगे, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी EK एंड पोटेंशियल एनर्जी EP ऑफ अ हार्मोनिकली ऑसिलेटिंग पॉइंट फॉर द मोमेंट T इज इक्वल T बाय 12 वेयर T इज टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली रेशियो निकालना है हम लोग, है ना। अच्छा इसमें एक्चुअली इक्वेशन ऑफ मोशन दिया नहीं, जो कि दिया होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इंक्लूड करके देना चाहिए था क्वेश्चन में, है ना, जैसे ऐसा दिया होना चाहिए था x इज इक्वल टू, ऐसा कुछ दिया होना चाहिए था कि a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, ऐसा दिया होना चाहिए था, डेल्टा की वैल्यू भी दी होनी चाहिए, पर ठीक है चलो मान लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए डेल्टा जीरो है, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x की वैल्यू हो गई a साइन ओमेगा t, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, टाइम की वैल्यू डालें, हाँ a साइन ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल t, मालूम है ना सबको, हाँ और t की वैल्यू है t बाय 12, ये कितना t t कट गया, कितना आया a साइन पाई बाय 6 माने a बाय 2, हाँ चलो अब तुम लोगों को सिखाया है मैंने, क्या सिखाया है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, ए बाय टू, यस तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर बाय फोर हुआ क्या, हाँ बोलो, हाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैं आता हूँ किस पे, अब आता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको बताया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिखाया था, हाँ तो और एम ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के होता है, ये भी सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, a by 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर by 4 है ना, हाँ सही है, नहीं समझे, समझा सर, half of k 3 a स्क्वायर by 4, अब मेरा काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करो तो पोटेंशियल एनर्जी से 3 is to 1 आएगा, हाँ आ गया आंसर 3, लल्लू है तो, हाँ चलो देखो कैसे करेंगे इसको, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a, ठीक है, displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position निकालना। maximum kinetic energy कहाँ पे होता है, maximum kinetic energy जो होता है वो होता है mean position पे, और maximum potential energy कहाँ पे होता है, a a पे, extreme पे, हाँ है ना, दोनों extreme पे, left वाले पे भी right वाले पे भी, जैसे मान लो अगर x एक्सिस पे अगर मूव कर रहा है, ये मेरा मीन पोजीशन है, तो ये मैक्स पी है ना,
पॉइंट ए पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट बी पे भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? प्लस माइनस ए हो सकता है ना। आ रही बात समझ में? हाँ। ये है हमारा है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी लाइक दिस फ्रॉम ओ टू ए, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी लाइक दिस ए टू ओ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है, कंसिडरिंग कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, समझ गए सारे लोग? हाँ।